सभी भैयों को नमस्कार। मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से, और ये जो मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल गोमाता है उनका वीडियो बना रहा हूँ। तो एक बार तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ वीडियो की। एक ये है, एक ये है, ठीक है भाई साहब। एक ये गौमाता है जो कि 15 से 16 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी में सेकंड लैक्टेशन है, और इसकी डिलीवरी होगी 20 से 25 दिन बाद में। बहुत ही शानदार गौ माता है, एडर क्वालिटी बहुत ही शानदार निकालेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे शान स्वभाव की गौ माता है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको एक दो दांत बछिया फर्स्ट लैक्टेशन, जो कि 25 दिन में डिलीवरी करने वाली है, जिसकी एडर क्वालिटी और फिनिशिंग और चमक बहुत ही शानदार है। बहुत ही सीधी गौ माता है। इमरान भाई बुला ना, इमरान भाई यहाँ खड़ा हो जाओ, ठीक है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, इसके बाद एक और गौ माता दिखाता हूँ। इसके नीचे मेल काफ है, 16 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी है, और इसका मैंने पुराने वीडियो में वीडियो डाला हुआ है, आप वहाँ देख लेना, ठीक है। यहाँ पकड़ लो। बहुत ही शानदार फुल हाइट पर्सनैलिटी वाली गऊ है। इसके बाद दिखाता हूँ मैं 2 दिन में डिलीवरी होने वाली गौ माता। इसकी 2 दिन में डिलीवरी होने वाली है, कबरी है, कबरी गौ माता है, बहुत ही शानदार। और इसको चला के दिखाओ, मैं इसका सीधापन दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और सेकंड लैक्टिशन है, 12 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी है, 2-3 दिन में डिलीवरी होने वाला है। बहुत ही शानदार गौ माता है। वह सामने लेके सामने खड़ा हो, हाँ टेढ़ी कर। बहुत ही शानदार सेकंड लैक्टेशन गौ माता है, जिसकी 2 दिन में डिलीवरी होने वाली है। इस वीडियो के माध्यम से इसको फर्स्ट नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही अच्छा मुठिया थन है, 2 नंबर गौ माता बता रहा हूँ इसको। 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी। थोड़ा सा आगे लेके जाइयो, देख सकते हैं आप इसकी एडर क्वालिटी। इसी वीडियो के माध्यम से अरई रोड जोगियों का नाडा किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से, मैं अरावली डेयरी फार्म किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान से आमिर पठान। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत गौ माता, 2 दिन में डिलीवरी हो जाएगी, 12 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छा मुठिया थन है। इसको यहाँ बंद फर्स्ट नंबर पे। ये गौ माता है सेकंड लैक्टिशन में, मैं भी इसको सेकंड नहीं मान रहा था, थर्ड मान रहा था, पर मुझे इसको विश्वास दिलाया गया कि ये सेकंड लैक्टिशन है। और बहुत ही अच्छा कबरा कलर है, भावनगर ब्लड लाइन, सेकंड लैक्टिशन है, 14 से 15 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी है, थोड़ी सी हेल्थ में वीक है, पर गाय दूध वाली है, बस यहीं दूध वाली गौ माता है। और बहुत ही शान स्वभाव है। अब आप थर्ड मांगते हो, सेकंड मानते हो, आप लोगों की मर्जी है। बहुत ही शानदार गौ माता है ये, मेरे पास सेल के लिए अवेलेबल है। कालू को बुला, कान देख सकते हैं आप इसका, कितना बेहद खूबसूरत कान है। अक्कू
ये इस वीडियो के अंदर इसको सेकंड नंबर दे रहा हूँ। 3 से 4 दिन में इसकी डिलीवरी होने वाली है। बहुत ही अच्छे सल पड़े हैं इसके पीछे, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो के माध्यम से। थोड़ी सी आगे लें, बस और आगे लें, बस यही मारा पीछा पीछे। मैं इसकी एडर क्वालिटी दिखाता हूँ आपको। अक्कू पास में ला थोड़ी गाय को। इसकी एडर क्वालिटी देख सकते हैं आप कितनी शानदार है। चला 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 चला। इस वीडियो के अंदर इसको सेकंड नंबर दे रहा हूँ भैयों, ठीक है। वापस ला, चौदह से 15 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी रहेगी। वीडियो के अंदर सेकंड नंबर है, डिलीवरी भी सेकंड है और बहुत ही शानदार गौमाता है। थोड़ा सा दुबली है, पतले घर की है। बस तो इसके बाद अब मैं थर्ड नंबर काऊ दिखाने वाला हूँ आपको इसी वीडियो के माध्यम से। देख सकते हैं आप इसकी एडर क्वालिटी। अब मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट थर्ड नंबर। ये इसी वीडियो में थर्ड नंबर गौमाता है, अरावली डेयरी फार्म, किशनगढ़ जिला अजमेर, राजस्थान से। और इसकी मिल्क कैपेसिटी भी 16-17 लीटर पर डे की रहेगी, ठीक है। ये भी मेरे फार्म पे कल ही अवेलेबल हुई थी और बहुत ही शानदार गौमाता है और बहुत ही चमक वाली फिनिशिंग, शाइनिंग, गले की कंबल, नाभि का साइज़, वो सारा ही बहुत अच्छा है इस गौमाता का, ठीक है। और मैं गाय को घुमा घुमा के इसलिए दिखाता हूँ कि आपको हर एंगल से गाय समझ में आ जाए। कोई चटकी नहीं पैर में, कुछ भी नहीं है। बहुत ही शानदार गौमाता है ये। जब अपनी डिलीवरी पे आएगी तो एक बहुत ही शानदार लेवर्टी निकालेगी, ठीक है। और इसकी जो चमक है, पतला जो इसकी चमड़ी, पतली चमड़ी है जिसको पतला रुआ बोलते हैं, दूध वाली गाय की जो लेवर्टी होती है, इसका हम्प देख सकते हैं कितना शानदार हम्प है। इसकी पेओटी देख सकते हैं, इसके कान का चौड़ा ही देख सकते हैं, इसकी नाभि देख सकते हैं। और जब ये डिलीवरी पे आएगी तो इसके थन ऑटोमेटिकली दूर जाने लग जाएंगे। इसी वीडियो के अंदर, जो ये 21 अगस्त 2020 का वीडियो है, इसके अंदर मैं इसको थर्ड नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे से बात करना चाहें तो थर्ड नंबर गौ माता बता देना, या मेरे मोबाइल नंबर है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9414745465 पे इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, मैं आपको प्राइस और डिटेल डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ आगे ले जाके छोड़ दे खुली, वहाँ आगे ले जा छोड़ दे। चौथे नंबर गाय ला, रहने दे छोड़ दे, जाने दे। देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत गौमाता है इस वीडियो के माध्यम से। हाँ जी भैयों, ये मेरी दो दांत बछिया है जो कि 35 महीने की एज होते होते डिलीवरी कर जाएगी। इस डिलीवरी में जो भी ये, हाँ 35 महीने क्या, 25 महीने हो गए इसकी प्रेगनेंसी को, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो भाई ने याद दिला दिया, ठीक है। तो ये 2.5 साल की बछिया है। इस लैक्टेशन में ये कितना दूध देती है वो तो 10 या 12, लेकिन आगने वाले टाइम में इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। बहुत ही कम उम्र की बछड़ी है और इसके दांत भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा। इस लैक्टेशन में ये 10 से 12 लीटर दूध देगी, लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा है। ऊपर इसके साथ एक जोड़ीदार गाय है तो ये उसके पास भागना चाह रही है बार बार, ये उसी के साथ रहती है। और इसकी कान और कानों की क्वालिटी, थोड़ा कान और कानों की क्वालिटी दिखाता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से। देखो आप, बहुत ही अच्छी, छोटा सा सींग है एक उंगली जितना। और इसके दांत भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। जाने दो, इस गाय के पास जाएगी यार, इसके साथ वाले के पास।
वैसे बड़ी शान स्वभाव की है, बट इसके साथ वाली गाय से अलग कर दिया इसलिए रुक नहीं रही है। ये एक ही डेयरी में से दो गाय आई है। हाँ, दांत दिखाता हूँ मैं आपको, दो दांत, ये देखो दो ही दांत बची है, कर रहे हैं दो भी, ये दो भी अभी कर रहे हैं, अभी बड़े नहीं हुए हैं दो दांत भी, तो ये देख लो आप पहले, बिल्कुल छोटा सा एक उंगली जितना सींग है, बहुत ही अच्छी चमक है, बहुत ही अच्छी चमक है गौ माता के ऊपर, बहुत ही शानदार एडर क्वालिटी निकालेगी। अभी 25, 26 या 30 डे बाकी हैं इसकी डिलीवरी के अंदर, और आपको इस वीडियो के माध्यम से छोड़ देखो, इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ ये गौ माता, इसके साथ वाली के पास जाएगी है। छुरी ले जा, खिला खबर खबर ले जा। वैसे बहुत ठंडी है, सीधी गौ माता है ये देखो, ठीक है, ले जा धीरे धीरे आगे, ले जा धीरे धीरे, हाँ धीरे धीरे ले जा आगे। ये दोनों गौ माता जोड़ीदार हैं, ये दोनों की बहुत अच्छी वो है, और ये दोनों साथ ही रहती हैं, तो बहुत ही शानदार गौ माता, ये दोनों की जोड़ी है, गले में डाल दे। तो ये दो दांत बछिया के नाम से आप समझा सकते हैं, वीडियो में इसका नंबर 4th है। चला आगे ले जा, तगारी उठा के ले जा, तगारी बोल, तू मैं वीडियो बना रहा था, क्या चाहिए? चल ठीक है भाई, मारे कटे करिए। हाँ नहीं कोनी लाए तारी कसम, अपना का दुश्मन आई है, अपना का पाती करना। कटो भर रही है, ये 16 लीटर पर डे सेकंड लैक्टिशन वाली गौ माता है, इसकी फुल हाइट है, थनों के बीच में आप गैप देख सकते हैं, इधर ले, थनों के बीच में गैप देख सकते हैं, लेटेस्ट डिलीवरी गौ माता है। यूं नहीं रही, ये देखो इसके मेल काफ है, फुल हाइट वाली है, बहुत ही अच्छी एडर क्वालिटी है, चारों थन बराबर हैं, कोई फालतू थन नहीं है, 15 से 16 लीटर पर डे की मिल्क कैपेसिटी वाली गौ माता है। नीचे बहुत ही खूबसूरत मेल काफ है, बहुत ही लंबी चौड़ी हाइट वाली गौ माता है, और सेकंड लैक्टिशन है, चौड़ा कान है, नाभि वगैरह बहुत ही अच्छी है, ठीक है, सेकंड लैक्टिशन गौ माता है ये, और इसी वीडियो के अंदर इसका 5वां नंबर है। डिलीवरी हुई भी एक ही काऊ है, वैसे भी समझा सकते हो आप कि डिलीवरी हुई भी काऊ, जिसके नीचे मेल काफ है, 15-16 लीटर वाली फुल हाइट वाली, ठीक है, फुल चमक वाली गौ माता है, और बहुत ही शानदार एडर क्वालिटी है। लंबी लेके चलक्कू, मेरी डेयरी में सबसे अच्छी हाइट की गौ माता भी यही है, ठीक है, और बहुत ही शानदार एडर क्वालिटी है। वापस ला, ये भी सेल के लिए अवेलेबल है, 5वां नंबर है, मेल काफ वाली बोल देना जिस भाई को रेट पूछनी है। ले पटिन ले पटिन ले, ठीक है भैयों, जय गौ माता, जय हिंद, राम राम सभी भैयों को। चलते हैं, इसी के साथ वीडियो बंद कर रहे हैं।